अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूमा और मैं बनाती हूं ब्यूटी एंड डीआईवाई ट्यूटोरियल्स। आज के हमारे लुक में हम यूज़ करेंगे ग्लैमरस फेस पैलेट। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे की, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और ये ट्यूटोरियल देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये नोटिफिकेशन बेल हिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लेंगे लाइट ब्राउन शेड और इसको यूज़ करेंगे अपनी क्रीज में, ताकि जब हम मज़ीद शेड अप्लाई करें तो वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। पहले हम लाइट हैंडेडली अप्लाई करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, और उसके बाद हम उसको डार्क करते रहेंगे। सेम शेड अप्लाई कर रहे हैं, लाइट ब्राउन। उसके बाद हम लेंगे ये डार्कर ब्राउन शेड, ये से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। इसको ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज में। उसके बाद हम लेंगे ब्लैक शेड और उसको अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे क्रीज में और आउटर कॉर्नर में। उसको अपनी लिट पे लेके नहीं आएंगे। जब अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी तो हम लेंगे डार्क ब्राउन शेड और उससे ब्लैक शेड को मज़ीद ब्लेंड करेंगे। जब क्रीज की शेड की अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी, तब हम लेंगे एल ए प्रो गर्ल का कंसीलर। इसका शेड है नेचुरल और इससे अपनी क्रीज को कट करेंगे और लिट को भी क्लीन करेंगे, ताकि इस पर जब जो भी शेड अप्लाई करें वो और ज़्यादा अच्छा और ब्राइट लगे। इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और अच्छे से अपनी फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर की मदद से, और इसके बाद जो है मैं ये मरून शेड अप्लाई करूँगी। ये एक शिमरी शेड है। मैं थोड़ा थोड़ा करके शेड लूँगी और इसको ऐड करती रहूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा फॉल आउट ना हो। आपको अपने शेड को ज़्यादा ब्राइट दिखाना हो तो आप अपने ब्रश को सेटिंग स्प्रे या खाली पानी से स्प्रे करें, बिल्कुल गीला तर ना करें उसको। थोड़ा सा स्प्रे करके जो है उसके बाद शेड लेंगे तो शेड ज़्यादा ब्राइट लगेगा। अब मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया है और उससे जो है एजेस में ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन्स ना दिखें। अभी खाली ब्रश लेके मैंने अपनी क्रीज में अच्छे से ब्लेंड किया है, ताकि सारे शेड एक जैसे हो जाएं। इसके बाद मैंने दोबारा मरून शेड लिया है वही, और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। वही शेड दोबारा मैंने एक और बार लिप पे अप्लाई किया है, ताकि ज़्यादा ब्राइट लगे। सेम शेड दोबारा मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो बी क्यूट की वाइट आई पेंसिल मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि आईज़ जो है थोड़ी बड़ी लगें। इसके बाद मैंने हैंड पैंक का ग्लिटर लाइनर लिया है सिल्वर कलर में। ये इजीली 150 या 200 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये ग्लिटर लाइनर जो है मैंने अप्लाई किया है शॉर्ट स्ट्रोक्स में। इसका एक और कोट कर रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा डीप लगे। ये अप्लाई हो गया। इसके बाद हम जो है अपने इनर कॉर्नर और अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे। एक वाइट सिल्वरी सा शेड है, ये लिया है मैंने। इसको अप्लाई करेंगे अच्छे से। इसके बाद बी क्यूट का जेल लाइनर लूंगी मैं ब्लैक कलर में। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जेल लाइनर है, किसी भी ब्रांडेड जेल लाइनर से ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि जेल लाइनर अक्सर ड्राई हो जाते हैं और ऑयल वगैरह ऐड करने के बाद भी पहले जैसे नहीं रहते। ये 150 टू 200 में मिल जाता है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ब्लैक है ये, और मतलब मेरा तो ये फेवरेट जेल लाइनर है। मैं अतीका ओडो ब्रांड का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आई लाइनर ब्रश, और ये इतना अच्छा ब्रश, इसलिए मैं एजेस क्लीन कर रही हूँ एले प्रो गर्ल कंसीलर से। अब ये ईबे की लैशेज हैं, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये $2 की लैशेज है, मतलब 200 की, कोई एक्सपेंसिव लैशेज नहीं है। लैश एप्लीकेशन का मेरा ट्यूटोरियल आप ज़रूर देखें, अगर आपको लैशेज अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। मैंने स्वीट टच की ग्लू यूज़ की है, लैश ग्लू, ये भी बहुत ईजीली अवेलेबल है हर जगह। तो ये है हमारी फिनिश्ड लुक। सस्ती और सिंपल चीज़ों से भी हम अच्छा मेकअप कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने की। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, अच्छा सा कमेंट कीजिए
और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक लॉट्स ऑफ केयर। बाय।